तो मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, सेल में बेवकूफ बनने से बचिएगा। फ्लिपकार्ट के ऊपर दोबारा सेल स्टार्ट हो चुका है, जिसकी शुरुआत 18 दिसंबर से होने वाली है और 22 दिसंबर तक इसका अंत होगा। लेकिन जो प्लस मेंबर्स हैं उनके लिए सेल स्टार्ट हो चुका है और मैं एक प्लस मेंबर हूं, इसके कारण मेरे पास सारी डिटेल्स अभी आ चुकी हैं एक दिन पहले। जहां तक आपको डिस्काउंट की बात करें तो 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलने वाला है SBI के क्रेडिट कार्ड के ऊपर या फिर EMI ट्रांजैक्शंस के ऊपर। लेकिन यहां पे बता दें कि पहले जैसे 4 दिनों के सेल में आपको अलग अलग डेज पे अलग अलग डिस्काउंट देखने को मिलता था, वहीं पे अब की बार ऐसा नहीं है। पूरे सेल के अंदर, मतलब कि पूरे 5 दिन में आपको मैक्सिमम 1500 का डिस्काउंट देखने को मिलने वाला है। सेल की शुरुआत आज 12 बजे से हो चुका है 17 दिसंबर को, जो कि प्लस मेंबर्स के लिए है। अब सबसे बड़ी बात यह है, क्या पहले की अपेक्षा ज्यादा डिस्काउंट में कुछ आपको मिल रहा है या फिर उसी रेट पे सामान को आपको दिया जा रहा है, लेकिन आपको बताया जा रहा है कि सेल आ गया है तो आपको सामान परचेज करना चाहिए। देखिए, सेल के टाइम में काफी लोगों की ऐसी इच्छा होती है कि वो कुछ ना कुछ परचेज करें, लेकिन अमेजन के ऊपर भी वैसे सेल चल रहा है, लेकिन वहां ऐसी बड़ी चीजें नहीं है डिस्काउंट के ऊपर। वैसे तो वन प्लस के ऊपर अगर बात करते हैं डिस्काउंट के बारे में, तो 7 साल कंप्लीट होने के कारण वन प्लस अपने तरफ से कुछ डिस्काउंट दे रहा है। जहां पे एसेसरीज के ऊपर अगर नोट खरीदते हैं तो 10% का ऑडियो प्रोडक्ट के ऊपर डिस्काउंट दिया जाएगा। वन प्लस बड जेड के ऊपर आपको 2699, मतलब कि 400 से 500 का डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। वहीं पे वन प्लस बड्स के ऊपर 500 रुपए का डिस्काउंट देखने को मिलता है। इस प्रकार से वन प्लस के ऊपर कुछ कुछ डिस्काउंट है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा फ्लिपकार्ट के साथ साथ अगर अमेजन की बात करते हैं तो बहुत कुछ खास डिस्काउंट आपको देखने को नहीं मिलेगा। कहने का मतलब यह है कि डिस्काउंट के नाम पे आपसे हो सकता है कि खरीदारी करा दी जाए जो कि सिर्फ बैंक डिस्काउंट हो और वहां पे आपको कुछ ज्यादा परचेज करना पड़े, लेकिन HDFC के कार्ड के ऊपर आपको 1000 रुपए तक का डिस्काउंट अमेजन के ऊपर देखने को मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बिग सेविंग डेज अगर नाम दिया गया है किसी सेल का, तो क्या उस सेल में आपको कुछ फायदा होने वाला है? आपको बता दें कि फ्लिपकार्ट के ऊपर जो सेल आपको देखने को मिल रहा है उसमें बहुत जबरदस्त तरीके के डिस्काउंट आपको देखने को नहीं मिलेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि ये सेल इसलिए लाए जाते हैं कि लोगों को ऐसा लगे कि प्रोडक्ट्स डिस्काउंट के ऊपर हैं, और वाकई कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर डिस्काउंट होता है, लेकिन इस सेल में तो कोई भी ऐसा प्रोडक्ट सामने निकल के नहीं आ रहा जिसके ऊपर बहुत जबरदस्त डिस्काउंट हो। तो मेरे हिसाब से इन सेल को लेकर आया जाता है कि लोग थोड़े लुभावने ऑफर्स का लाभ उठाने के लिए कुछ ना कुछ परचेज करें और इससे कंपनी का फायदा होगा। आप जो मोबाइल के रेट्स अपने स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, यहां पे ऐसा कोई भी डिस्काउंट नहीं है जो कि पहले नहीं था या फिर बीच बीच में नहीं आता है। सेल का नाम इसलिए दिया जाता है कि आप लोग थोड़ा सा आकर्षित हों और अपने फोन या फिर कोई भी प्लान कर रखा है सामान परचेज करने का, तो उस सामान को परचेज करें। टीवी की बात करते हैं तो टीवी ऐसा एक अप्लायंसेस का क्षेत्र है जहां पे बहुत लोगों की रुचि होती है, लेकिन टीवी के अंदर देखा जाए अगर तो ऐसा कोई डिस्काउंट देखने को नहीं मिल रहा है जो कि आपको लगे कि नहीं सेल है तो इसमें बहुत बढ़िया डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। तो आप लोगों को ये बात जान के हैरानी होगी कि फ्लिपकार्ट के ऊपर वैसे भी बहुत टाइम से ऐसा चलता हुआ आ रहा है कि सेल के नाम पे बेवकूफ बनाया जाता है काफी ज्यादा लोगों का। जो लोगों को पता नहीं है वो लोग सेल में सोचते हैं कि प्रोडक्ट डिस्काउंट पे दिया जा रहा है और सामान को परचेज कर लेते हैं। अगर पोको X3 की बात करते हैं तो इसका प्राइस आप देखिए, सेम तरीके से रखा गया है, सिर्फ आपको बैंक डिस्काउंट जो है वो एक्स्ट्रा रखने को मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से आपको करना होगा एक काम, किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर आप क्लिक कीजिए, जो उसका डिस्क्रिप्शन के ऊपर लिंक निकल के आता है उसको Ctrl+C करके कॉपी कीजिए और उसको पेस्ट कर दीजिए प्राइस हिस्ट्री के अंदर जाके। जब उसके प्राइस को ट्रैक करते हैं तो आपको मालूम चल जाएगा क्या इसके ऊपर कोई डिस्काउंट है या नहीं है। जैसा कि आप ये फ्लैट लाइन देख रहे हैं, इसका मतलब यह है कि पिछले कुछ समय में कोई भी डिस्काउंट इस टीवी के ऊपर नहीं था और सिर्फ सेल के अंदर ये टीवी आपको बेवकूफ बनाने के लिए इस प्राइस पे दिखाया जा रहा है। तो मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, सेल में बेवकूफ बनने से बचिएगा और तकनीकी सार को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको जैसे मैंने बताया कि वन प्लस के ऊपर डिस्काउंट है, इस तरीके के बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिलते रहते हैं। दोस्तों, तकनीकी सार को सब्सक्राइब करने के अलावा शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत जरूरी है लोगों को ये बात बताना कि आपको कहां पे अच्छी जानकारी मिलती है। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।